तो हमारे साथ आज के खास मेहमान रूपक डे जी मौजूद हैं। रूपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चुन चुन के लिए कौन से शेयर आप चुन चुन के लेकर के आए हैं जो इस सुस्त बाजार में भी हमारे जो दर्शक हैं उनके पोर्टफोलियो में चार चांद लगाएंगे। जी, सुस्त बाजार में सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि एंट्री तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, वापस नीचे आ जाता है। हर स्टॉक न्यू इंडिया जैसे ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास एक स्टॉक है जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, टाटा कम्युनिकेशन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से स्टॉक ऊपर में 1800 रुपया तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1700 रुपया का। तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा जो ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल स्टॉक ने एक ब्रेकआउट फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, जो अभी 385 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 374 का, और टारगेट रहेगा 440 का। तो ये वो दो कंपनियां हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। ग्रेन्यूल्स इंडिया, ये अभी 384 के आसपास चल रहा है, आपको यहां पर आने वाले समय में 440 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 374 रुपये का। इसके अलावा आज की जो दूसरी कंपनी है जहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है रूपक जी की तरफ से, वो है टाटा कम्युनिकेशंस। ये 1760 के आसपास अभी मौजूदा भाव है, 1760 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर आपको जो है 140 रुपये ऊपर तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 1900 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। रूपक जी, आज की आप इस चर्चा में जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इसमें से कुछ स्टॉक हमारा एसोसिएट को होल्डिंग रह सकता है, मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।